क्वेश्चन नंबर 12, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा और फिर तो कर ही लोगे। ठीक है चलिए, 13 14 13 भी डाउट है तो भाई ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना? नहीं है मतलब क्या नहीं है? अच्छा हो गया, ठीक है आगे बढ़ते। ठीक है हाँ, 14 15 14 14 में अथर मेहनत है, x प्लस वाई को टी पुट करो, एम एक्स प्लस ए बाई एम नहीं होता विट्टल, है ना? ठीक है, x प्लस वाई को टी पुट करो तो भाई डीवाई बाई ये सब निकालना पड़ेगा अपने को, है ना? तो 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इस जगह पर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस, एक बार तो एक्स रहने दो देखते हैं, टी और ये आ गया टी क्यूब और ये माइनस 1 कर लोगे, टी क्यूब से डिवाइड कर लेगा। ठीक है ए मिस्टर एस, क्या है तुम्हारे है? क्या कर रहे हो तुम्हें? टेंजेंट लाइन इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी, वो बात सुन लेते उसी में काम हो जाता कि टेंजेंट लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको, है ना? सो टी कोमा टी स्क्वायर बाई 2 ये पॉइंट लिया, इसके ऊपर 13 में सी होना चाहिए। नहीं नहीं गलत है बिल्कुल, है ना? तुम गलत हो, ठीक है? ये तुम कभी सही हुए हो क्या आज दिन तक? हैं क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता तुम में जबरदस्त तरीके से उठते ही, हैं? टी आ रहा स्लोप इसका, अब टी को एलिमिनेट करना है, समझ में आ रही बात? अब तुमको टी को एलिमिनेट करना है, पहले एक बार इक्वेशन लिखो, है ना? अच्छा सी आ रहा, ऑर्डर तुम्हारा 1 आ गया, डिग्री नहीं आ रही तुम्हारे, टी को एलिमिनेट करो भाई, टी स्क्वायर दिख रहा है डिग्री, वैसे ही 2 पता नहीं कहां से दिख रही। हाँ जी 16 to 19 16 d2y by dx² is dy by dx, बाप रे इंटीग्रेट कर दो इसको, ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं मेरे, फिर से इंटीग्रेट कर देना। आगे भाई हाँ और क्या, 19 19, ये 10y sin y है ना, ये बर्नौली है, डिवाइड करो इधर, ठीक है? और 10 तो कट जाएगा, 1 अपॉन sin y को t पुट कर देना फिर उसके बाद, ठीक है? इक्वेशन फाइंड हो गया लेकिन d भी हो सकता है। अच्छा ऐसा क्या इक्वेशन आ गया तुम्हारे? ओ भाई कहां से वो हो गया तुम्हारा y एक्सिस एसएम डॉट e की बार x जैसा फंक्शन आ रहा है तो उसमें कहां से हो गया ये आ रहा है तुम्हारे महारथी? ऐसा कुछ आ रहा है तो हाँ ठीक है, कुछ क्या आएगा 1 प्लस 2 e की बार x, इसमें y एक्सिस एसएम डॉट कहां से रहे? है ऐसा ग्राफ होता है, इसमें y एक्सिस एसएम डॉट कहां से आ गया? बीस से लेकर 23 बीस से लेकर 23 कोई डाउट? डन 24 से लेकर 27 27 27 एग्जैक्ट है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर, कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 2xy dy माइनस x³ dy इज इक्वल टू 3x²y dx माइनस y²dx। ठीक है ठीक क्या होगा ना, ये x³ इधर ले लो ये इधर ले लो, है ना? तो x³ dy
3x² वाई डीएक्स, तो ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x³ इनटू वाई, है ना, और 2xy dy माइनस सॉरी प्लस y² dx, ये लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ xy² ऊपर, तो इंटीग्रेट से जहां पे कुछ नहीं दिखता है ना वहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करें, ठीक है बस। गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना, आगे बढ़े। एक्सरसाइज 2 अगली बार कर लेंगे, एक्सरसाइज 2 जो है अपन अगली बार कर लेंगे, रेडी? ठीक है भाई, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन चल रहा है, आपने 15 मई तक 14 चैप्टर करने को बोले थे, वो हो गए, अब क्या करना? अब तो बस भाई पेपर पे लग जाओ, ठीक है शशांक, ठीक है, अब पेपर पे लग जाओ भाई, ठीक है। आकृति है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी में उस चीज का ध्यान रख लेंगे जब अपन करेंगे तो, रैंक वाले क्वेश्चन। मेरे अभी भी बाकी है, चल रहा है भाई, तुम्हें जो भी बाकी है ना ये इस महीने में निपटा देना, ठीक है, 30 तक। हाँ उसके बाद फिर बस वो रिवीजन और पेपर सॉल्विंग और यही चलेगा, है ना, ठीक है। पीएनसी आप कब करो, पीएनसी आप करवाओगे क्या फिर? हाँ करवाएंगे ना भाई, जैसे कैलकुलस कर रहे हैं वैसे आईआरपी में वो भी तो करेंगे, है ना, करेंगे वो तो। हाँ जी, क्या दिमाग में आ रहा है? एक y² को टी पुट करने का आइडिया एक तो मेरे भी चमका है ना कि सर y² का डेरिवेटिव ये y लिखा हुआ है, यहाँ पे y² है, इसकी झंझट तो खत्म करें। सबसे पहले अपन जो है y² को t डाल दें, सो 2y dy/dx इज dt/dx। नहीं सिर्फ वाई स्क्वायर को डालो मेरे हिसाब से, क्योंकि ई के पर वाई स्क्वायर और कहीं है नहीं, इसलिए दो जगह होता तो फिर भी मैं काम चला लेता, ठीक है। तो ई की पर x² ई की पावर टी और y dy/dx जो है वो है 1/2 dt/dx और ई की पर x² और xt-x, ठीक है। चलो देखिए आगे निपटाओ आपने dt/dx, टू को इधर कर दो, e की पावर x² इंटू dt/dx प्लस e की पावर t इंटू dt। ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है ना, तो भाई ये ओपन करने में ही फायदा है ना, 2xt e की पर x² माइनस x इंटू e की पर x² और ट्वाइस इज इक्वल टू 0। ये कुछ बन पाएगा क्या e की पर x और e की पर t में? कहीं तुम्हारे मन में थोड़ा सा वो डाउट है क्या, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि
एग्जैक्ट जैसा e की पर x पर, एग्जैक्ट x पर, e की पर x स्क्वायर को भी z पुट करने का आ रहा है ना। चलो तो एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं e की पर, एग्जैक्ट बन रहा है क्या किसी के? एग्जैक्ट बन रहा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है फिर, है ना। 2xt e की पर x स्क्वायर इंटू dx, मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ, e की पर x स्क्वायर इंटू dx, है ना। इसका आसानी से हो जाएगा, इसका आसानी से हो जाएगा, और रही बात इनकी, तो हाँ बन गया ना, बन गया ना, एग्जैक्ट दिखा गया भाई। ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ना, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, देखना भाई, 2x e की पर x स्क्वायर dx, और हाँ ठीक है ना, प्लस e की पर t dt, और माइनस 2x e की पर x स्क्वायर dx, ठीक है, कर देते इंटीग्रेट, डन। तो ये आ जाएगा t इंटू e की पर x स्क्वायर, e की पर t, e की पर x स्क्वायर प्लस c, और t इज क्या था, y स्क्वायर, हो गया बस क्वेश्चन, सीधा ही आंसर बताइए। थोड़ी ऑप्शन में भी मेहनत करवा रहे हैं क्या, देख लो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, याद है? चलो बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत की। एक तो बस अपने को है ना ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब कुछ भी ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तब तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने वाला फंडा जो है माइंड में होना चाहिए, वो बनता है ना। और थोड़ी सी बस वो यूं ही है कि देखो कॉन्फिडेंस की बात है ना। और कॉन्फिडेंस कब आ जाएगा, जब अपन ने ऐसा कभी किया होगा कि यार कुछ इनको ओपन करके तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो सही, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा वहां से। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से और कुछ खास आइडिया लग नहीं रहा था, पर आगे आके थोड़ा दिखने लग जाता है, तो बस वो लिखने वाला चाहिए वहां पर, है ना। ठीक, पोलर से कब जाना चाहिए, जो उसके दो फॉर्म है बस, और कभी नहीं जाना चाहिए, दो फॉर्म है ना बस, वो दिख जाए तो है, वो तो बहुत स्पेसिफिक है। और पोलर के भी सारे क्वेश्चन वापस एग्जिट से बन सकते हैं इधर, पोलर में भी सारे क्वेश्चन वापस इधर एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बना सकते हैं। हाँ भाई चलो पहन, चलो फटाफट चलो। तो अभिषेक कोनिक रिवाइज कर लो यार बैठ के एक दिन, है ना भाई। लगता है ऐसा बच्चे को, है ना, कोऑर्डिनेट में हमेशा ये कंप्लेन रहती है बच्चे की कि यार मतलब याद नहीं रहते हैं चीजें, स्पेशली टेंजेंट, नॉर्मल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वगैरह। क्या टाइम लगता है कॉनिक रिवाइज करने में, 2 से 3 घंटे लगते हैं, है ना। एक बार पढ़ लो बस, वो मन का जो वो झिझक है ना, वो निकालने वाली बात है। एक बार बैठ के पढ़ लो यार नोट्स वगैरह, क्योंकि कॉनिक में तो फिर यही उपाय है बस, बैठ के पढ़ो बस, एग्जैक्ट भी बन रहा होगा, सही बात है।
जी आंसर डी आ रहा है ठीक है। देखते एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स। हाँ लीनियर तो देखो यार जल्दी क्लिक हो गई यार, कोई डाउट ही नहीं उसमें। वाई ऑफ वन जो है ई माइनस वन है, ई माइनस वन कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रही है ठीक है, कर लोगे ना, के की वैल्यू चार आ रही है ठीक है। आगे बढ़े रेडी चलिए नेक्स्ट। आज डी लास्ट है ना, कल से नहीं, अभी एक दिन और डी है ना ठीक है। एक बार सेकंड स्टेप बता दो, ये बाई पार्ट्स किया ना इसका इंटीग्रेशन, और ई की बार एक्स का, ई की बार एक्स और इसका एक्स ठीक है। अरे क्या यार इंटीग्रेट करना है, एक से एक्स इंटू ई की बार एक्स बाई पार्ट्स लगाओ उसके ऊपर वाले। अरे भाई क्या वाई इंटू आई एफ इज क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है, तो वही तो किया, आई एफ ये आ गया वाई इंटू आई एफ और ये आई एफ इंटू ये पूरा क्यू। अरे ये क्यू है ना यार, क्या कर रहे हो याद नहीं लीनियर क्या। ठीक है भाई, अच्छा थैंक यू सो मच, क्या बात थैंक यू सो मच, नहीं याद कर लो ठीक है। हाँ भी इंटीग्रेशन से डी ये बोर्ड के लिए क्या रिवीजन रिवीजन क्या सजाग तुमने हाँ? जी क्वेश्चन बोलो जल्दी बस। एजेंट सर ने वन शॉट लिया था, आप भी ले लो यूट्यूब पे। अरे यूट्यूब पे है ना मोहम्मद, बहुत टाइम लगता है ठीक है, बहुत टाइम लगता है। अरे ये कहना आसान है कि एक वीडियो तो डालना है, अरे ना वो बनाऊंगा, बहुत मेहनत होती है उस वीडियो के पीछे, उसकी स्लाइड्स बनती है, उसकी शूट चालू होती है, शूट में कभी लाइटिंग कम आ रही है सर, सर फ्रेम सही नहीं आया, वापस करते हैं सर, आवाज थोड़ी सी माइक बंद रह गया। अरे बाप रे, फिर उसकी वो एडिटिंग करता है, फिर उसके थंबनेल बनते हैं, फिर सर डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रहे हैं, अरे बाप रे बहुत कुछ वो एक वीडियो बनाना, मतलब लाइव सेशन में इतनी दिक्कत नहीं होती, लाइव में तो क्या है कि आप लाइव चले जाओ बस पढ़ाना है तो वहां तो ठीक है, बट रिकॉर्डेड में क्या है कि उधर क्राउड आएगी सर, लेवल नीचा ही रखिएगा। ए ना 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 ये नहीं हो पाएगा ना, ये तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, नहीं जो है भैया ना ठीक है। हाँ बॉम्बे आ रहा है पक्की बात है, मतलब तुम ये सीरियसली ये बात बोल रहे हो क्या, मतलब तुमको ऐसा लगता है क्या कि थोड़ा लेवल कम रखना चाहिए क्यों। अरे नहीं यार मजा थोड़ी आता है उसमें, क्या मतलब
वन प्लस जी स्क्वायर को टी डाल रहे हो। ये आ रहा कॉन्स्टेंट की वैल्यू कहीं से आ गई होगी, ये रही कितना आ रही। सी की वैल्यू अरे सी की वैल्यू कितनी आ रही। अच्छा तो ये टफ आ रही है क्या, 1 - 1/2 log 2। ठीक है कर लेंगे ना। ठीक है नहीं नहीं विटल इतना भी मैं निर्दयी नहीं बनूंगा। ठीक है अरे ना ना ठीक है, अभी अभी नया काम धंधा शुरू किया, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। आज जो है 8 बजे है ना, बाइनोमियल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है सोल्व कर लेना उसको। एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाएंगे और एक आप करना एडवांस में। आपके बड़े ओपी चेले हैं सर, कल कमेंट सेक्शन में AIR 1600 वाले भैया मिले। अरे उसमें 841 वाला भी था है ना, वो उसने अपनी रैंक बताई नहीं, मतलब वो उसका बड़प्पन है। ठीक है 841 वाला भी था वो, उसमें 1000 के अंदर में भी 3 लोग थे। 841 वाला था, अनुज था ना, अनुज। उस बच्चे की क्या स्टोरी है यार, है ना। पूछा मेरे से 12th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ता था, 11th मेरे से नहीं पढ़ा था, 12th में पढ़ा हुआ है। और मतलब ब्राइट है ना, ब्राइट इन द सेंस कि आप क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिख के पीछे पलटो ना, हाँ भाई ये क्वेश्चन करो, ये लाइन बोलते हो तब तक उसका आंसर रेडी है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फंक्शन वाले चैप्टर में हो रहा है या ITF वाले में हो रहा है, ताकि ऐसा लगे कि बच्चा पहले से पढ़ के आया होगा, है ना। हर चैप्टर में यही कहानी है ना, हर चैप्टर में यही कहानी। हम क्वेश्चन लिखो आप पीछे घूमो रेडी, हाँ सर ये आएगा। ठीक है एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम्स करेक्ट आंसर, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स करेक्ट आंसर है ना। क्लास में ऑलवेज रेगुलर, हमेशा होमवर्क कंप्लीट, वो सब चीजें। पर हुआ नहीं जेई में, 12th के बाद जेई क्लियर नहीं हुआ। द रीजन वाज कि दिसंबर में सिलेबस खत्म हो गया था और दिसंबर में फ्री करते थे उस टाइम पर, तो पता नहीं उसने क्या किया, शायद बहुत बोर्ड का डर लगा या पता नहीं क्या किया उसने, तो जनवरी फरवरी मार्च उसने जो है पूरा डेडिकेशन बोर्ड पे दिखा दिया कि नहीं यार बोर्ड के लिए पढ़ लेते हैं, जेई का तो सब बढ़िया हो रखा है, और 3 महीने में इधर फ्लो टूट गया। ठीक है फ्लो टूट गया और सिविल ने डायरेक्ट एग्जाम दिया, और पहले तो ये ACCC बाद में होता था, पहले जेई का एग्जाम होता था, मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे तुम्हारा 7 जून को ये मैथ्स का पेपर है ना, 7 जून को, तो इसके बाद जो इमीडिएट संडे आ रहा है ना, इमीडिएट संडे जस्ट आगे वाला, उस दिन जेई का पेपर है, IIT का पेपर है, ये रूटीन होता था। CBSE का एग्जाम जिस वीक में खत्म हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट वीक वाला संडे जो है उस दिन जेई का एग्जाम, तो उसका खराब गया और हुआ नहीं, उसने कभी बताया भी नहीं, उसने कभी यूं बताया भी नहीं फोन करके कि मेरा एग्जाम खत्म हुआ है क्या है। वो जो है शायद 1-1.5 महीने बाद जो है कोटा आया वापस अपना सामान वगैरह कलेक्ट करने, तो शायद वाइब्रेट में भी मिलने आया होगा, ऐसे ही वाइब्रेट में भी किसी फ्रेंड से मिलने आया, शायद लकीली में मिल गया उसको ऐसे रास्ते में। मैंने कहा क्या हुआ,
कहाँ जा रहे हो? उसके हाथ में काफी बुक्स वगैरह थी और वो पैकिंग वैकिंग टाइप से कुछ लग रहा था। मैंने कहाँ जा रहे हो? कि सर घर निकल रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर जेई में नहीं हुआ, अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा कॉलेज ले लेता हूँ, प्राइवेट कॉलेज ही ले लेता हूँ और उसी में पढ़ूंगा आराम से। मैंने कहा क्यों? कि सर पता नहीं क्या हुआ, सब तैयारी की और मतलब हुआ ही नहीं, और अब मैंने किससे कुछ पूछा भी नहीं और मैं बस कॉलेज ले रहा हूँ। मैंने ऐसे क्यों कर रहे हो भाई तुम? फिर उसको मैंने वही समझाया। मैंने कहा कि सर शाम को ट्रेन है, मैं जा रहा हूँ। मैंने मत जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम्हें? मैंने एक काम करो, ड्रॉप करने के बारे में सोचो, है ना। और ये सब लिफ्ट के बाहर डिस्कशन हुआ, मेरे को अभी भी याद है। मैंने थोड़ा सोचो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा IQ अच्छा है ना, तुम ब्राइट हो, मतलब मेहनत कर सकते हो जाएगा। तो 15 मिनट ही बात की होगी, है ना, और मैंने भी इतना कोई जोर दे के नहीं बोला था, ऐसे नॉर्मली बात की। उसने कहा ठीक है सर। शायद वो घर गया और उसके बाद वापस आया, उसने ड्रॉप लिया एंड फोड़ दिया उसने। बहुत खुशी हुई। उसने रिजल्ट आते ही जो है फेसबुक पे मेरे को टैग किया था, बहुत खुशी हुई कि सर ये रहा मेरा रिजल्ट और 840 बन आई रैंक। मजा आ गया ना। 13 में भी मैंने ही पढ़ाया था फिर उसको। चलिए भाई शुरू करते हैं। और सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था कि यार ठीक है प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन, क्या है। लो भाई एग्जैक्ट बन रहा है क्या क्या है? नहीं भाई नहीं, 840 नहीं है ना, नहीं से है ना, इट इज 329, 329, जिसको पूरे साल भर मैंने पढ़ाया है ना, मतलब पूरा प्रॉपर 12th मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उसके ऊपर मेरा अधिकार बनता है ना। हाँ बाकी तो ऐसे है ही है कि सर 2 महीने आपसे पढ़े हैं, फिर हमारी शफलिंग हो गई, फिर हम ऊपर वाले बैच में चले गए, ऐसे ही, फिर टॉप बैच में चले गए, फिर वापस नीचे आने का मौका मिला ही नहीं, पर आपसे 2 महीने पढ़े हैं हम। तो वो तो वैसे तो टॉप 100 वाले और वो होते हैं, पर 329 वो हमारे मेहनत के रेट। चलिए शुरू करें फिर। हाँ क्या सीन, इसमें क्या करके आ रहे हो? एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, dx/dy लिखता हूँ एक बार, है ना, तो e^2x, हाँ एग्जैक्ट भी नहीं बनेगा, सही बात है। तो dx/dy e^2x ऐसे नहीं करते, 1/y का है ना वो इधर डाल देते। एक्स कहां से आ गया? अच्छा यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए ना, यही होता है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, इससे भी डिवाइड कर दे। सो e^-2x dx/dy e^-2xy इज इक्वल टू 1/y³। हो गया ना, माइनस e^-2x को t डाल दूं क्या? कर लोगे? सो dt/dy कर देंगे, प्लस t/y इक्वल टू 1/y³। 2 भी आएगा ना, एक एक 2 भी आएगा, 2 इधर डाल दे दो। समझे? हाँ भाई अब कर लोगे ना, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह से आ जाएगा, 2/y का 2 log y² दिख गया। सो t × y² इज y² × 2/y³, −2/y³ बनाए, नहीं माइनस वाले को ही टी पुट किया है पूरे को, तो ये पूरा उसमें चला गया।
नीचे अरे चीज ठीक है। तो भी कौन सा ऑप्शन आ रहा है जल्दी से। माइनस भी आएगा, माइनस आकृति नहीं आएगा, आई डोंट थिंक माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा, समझ नहीं रहे भाई, आएगा क्या माइनस? बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों को हवा ही लग रही है। माइनस यार तुम समझो, इसका डेरिवेटिव माइनस टू आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, वो तो मैंने सोच समझ के पुट किया है। चलिए आगे बढ़े, रेडी नेक्स्ट। अच्छा कौन सा ऑप्शन आ रहा था, कोई हिसाब किताब है तुम्हारे पास इस चीज का? नहीं कोई हिसाब किताब ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहे, कांस्टेंट वगैरह सब निकालने पड़ेंगे। सो 2/2 लोग वही दिख गया। सी ऑप्शन आएगा ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें, -1 आएगी टी को पुट करने के बाद। आगे बढ़ते नेक्स्ट। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा थोड़ा खामोश रहना ठीक है ना, मतलब तुम ही करो यार, है ना, मतलब ये सब करने जैसा काम है तुम्हारे हिसाब से, देखते रहो है ना। लेबनीज को देखकर अंदर से फील आती है, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ क्योंकि करना डिफरेंशिएशन ही है सही केमिस्ट्री और फिजिक्स में बता दीजिए क्या करें भाई, आरओ की तरह क्या करें, मतलब भाई क्या करें, क्या केमिस्ट्री तो रटनी है बैठ के, अब क्या करोगे? अब अगले 15 दिन तो रोज 3-3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी ठीक है। अच्छा आईआरपी की तरह अभी तो कुछ नहीं कर पाओगे, अभी तो बताने का सेंस भी नहीं है। अब मेंस आ रहा है, मेंस के हिसाब से तैयारी करो है ना ठीक है भाई। अब सब सब्जेक्ट में ध्यान रखना है ना, हाँ ये मैं सबको बता देता हूँ, जनहित में जारी जो भी करना है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अभी कर लो है ना, और 1 तारीख के बाद राइट फ्रॉम 1 जून जब तक अपना मेंस नहीं हो जाता तब तक अपन स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही पढ़े, मतलब ठीक है उसके अंदर कुछ एक आध बार सवाल ऐसे आ रहे हैं तो देख लिए, बाकी मेंस का एग्जाम अच्छा होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, ये बात आप शायद बहुत दिनों बाद समझे, बाकी मेंस का एग्जाम अच्छा होना बहुत जरूरी है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, अटेम्प्ट 2 की टेंशन कम हो जाती है, एडवांस के लिए फुल फोकस कर कर पाते हैं अगर वो एग्जाम अच्छा हो जाता है तो। यार उससे काफी चीजें जो है वो मतलब सही रहती है ना, हाँ वो एग्जाम अच्छा हो गया, दूसरे ये जो कॉलेजेस होते हैं डीयू टाइप से है ना, डीयू हो गया, इन कॉलेज की काउंसलिंग उसी से होती है, उसी एनडीए अपनी रैंक से, जेईई मेंस की रैंक से, तो वो सब बहुत जरूरी है यार मेंस में अच्छा परफॉर्म कर। हाँ जी ये FOBX दे रखा, और क्या करें भाई, कैसे क्या डिफरेंशिएशन करने का सीन है ना? ये 1+X² फंसाएगा तुमको पता है, यहाँ पर PYQs बनाए बस। हाँ शशांक बिल्कुल सब सब्जेक्ट में
इसको इधर ले लेते हैं यार, बाकी ये कचरा कर देगा इधर। ठीक है, बर्नोलिस बन रही, कहां से बन रही, टेस्ट में पूरा रिवीजन नहीं हुआ, पर 150 से 160 ठीक है क्या? देखो रोहित, ऐसा है कि जब आप नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दे देंगे ना, मेरा ये मानना है कि आप 15-20 पेपर कर लेना बिल्कुल ईमानदारी से, जेई मेंस के अटेम्प्ट है ना, थोड़ा एनालिसिस भी कर लें, जो चीजें नहीं आ रही है वो रिवाइज भी कर लें देखकर, तो आई थिंक 15-20 टेस्ट करने के बाद जो है रिवीजन हो जाता है यार। क्यों भाई, तुम नहीं मानते हो क्या? 15-20 पेपर कर लो मेंस के प्रॉपर, 15-20 पेपर में पूरा रिवीजन हो तो जाता है, और क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ईमानदारी से पेपर भी कर ले ना, ईमानदारी से मतलब कि यार 25 क्वेश्चन किए पूरे, सबके सब सॉल्यूशन सब अपने को पता है, जो चीज नहीं आई तुरंत नोट से पढ़ ली, रिवाइज कर ली, याद कर ली, फिर आगे बढ़े, उस टाइप से है ना। कोई बात नहीं भाई शशांक, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, करो मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश इंटू 1 + x² -2x × f(x) डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा f² / 1 + x². ठीक है, बस। अच्छा तुम्हें तो बन रही है क्या ये सब? हाँ अब बन रहा हो गए। सो एफ डैश को डिवाइड बाय dx लिख रहा हूँ भाई, और -2x और ये 1 + x² से मैंने डिवाइड कर ही लिया है, और इनटू y, और अरे बाप अरे बाप, ये क्या हो गया? ठीक है, एक तो 1 + x² हटा दिए, तो ये आएगा 1 + x² × y² है ना, बुझा रहे हैं। अच्छा इधर डिवाइड कर दिया तो नहीं आएगा, ठीक है ठीक है, ये नहीं आएगा। ये सिर्फ वाइस पर आएगा, जो डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया और एक कट भी कर दिया। ठीक है, बर्नोलीज, हाँ बर्नोलीज दिख रही, वाइस पर से डिवाइड कर देते हैं, ये बर्नोलीज दिखना है बहुत जरूरी है। ना -1/y को t डाल दो, सो dt/dx और 2x/1 + x² × t = 1, तो t × 1 + x² और x + x³/3 + c, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के काम कर दिया मैंने, और t = -1/y, f0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसे कांस्टेंट आ जाए, डेली आंसर आना चाहिए, चेक करो तो। फर्स्ट जून तक जो बचा हुआ है पूरा कंप्लीट करना है, बिल्कुल। फर्स्ट जून नहीं, 30 मई, 1 जून से तो अपन पेपर सोल्व करने बैठेंगे, ठीक है। जो कुछ, हाँ भाई है ना, ये भी सुन लेना, जो कुछ बाकी है ना तुम्हारे, कि ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक एक बार पढ़ लेता हूँ, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, तुम जो करना कर लेना 30 मई तक, बस 5 दिन और बचे, फिर उसके बाद पेपर ही करेंगे बस, ठीक है। मैथ्स में सब हो गए, मैथ्स में तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, मैं तो कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं छोड़ना है ना, पढ़ लो nth रूट ऑफ यूनिटी, क्वेश्चन उसी से आएगा, पढ़ लो उसको अच्छे से, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो करो, है ना, लाओ दिमाग।
हाँ भाई, क्या चल रहा है? लेबनीज चल रहा है। सो 2f f' इज f स्क्वायर माइनस f की पावर 4 प्लस f डैश का होल स्क्वायर। वो तो 100 तो हटा ही दिया। हाँ जी, इसके बाद होल स्क्वायर बन रहा है ना। एफ की पावर 4 जो है वो है एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर माइनस 2 FF डैश। सो एफ माइनस एफ डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एफ स्क्वायर जो है वो आ जाएगा एफ माइनस एफ डैश, या फिर एफ स्क्वायर आ जाएगा माइनस एफ प्लस एफ डैश, ठीक है। कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से अलग अलग इक्वेशन बन गई। भाई मैं ऐसे लिख देता हूँ कि dy by dx is y minus y square, और इधर से dy by dx प्लस माइनस एक साथ ही चलने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन y प्लस माइनस y square इज इक्वल टू dx। प्लस माइनस तो नहीं चलने देंगे एक साथ ही, अलग अलग करेंगे, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे ना इसके। मैं एक करके बताया था, ठीक है, दूसरा भी ट्राई करना ही पड़ेगा। वाई इंटू वाई प्लस वन है ना, तो लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। चेक करते रहो फटाफट। और एफ स्क्वायर ऑफ 0 इज 100, 0 पुट किया तो ये 100 और ये 101, तो ये आ जाएगा log ऑफ 100 अपॉन 101। कॉन्स्टेंट सही है क्या? बस ठीक है। अब क्या करना है, इनफाइनाइट पुट करना है x को। अच्छा, y को इनफाइनाइट पुट करना है। एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स क्या होगा? अच्छा, एक्स को इनफाइनाइट पुट करना है, 10/11। अच्छा, एफ स्क्वायर दिया है क्या? हाँ, एफ 10, तो 10/11। अरे बाप रे, क्या मिस्टेक कर गई, क्या जबरदस्त मिस्टेक कर गई। एफ स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो 10/11 है ना, बढ़िया है। हाँ जी, अब क्या करें? ये अगर अब तुमको सुनो, अब क्या है कि y की वैल्यू निकालनी है ना यार, ये सब चीजें क्या तुमको है ना, ये y इक्वल टू करके लिखनी पड़ेगी। दिक्कत ये है इसकी। सो y इंटू वाई प्लस वन इज e की पावर x, और e की पावर log के अंदर 10/11। So, ये आ जाएगा 10/11 इनटू ई की पावर एक्स, और वाई अपॉन वाई प्लस वन। समझे बात को? ये पहले आप इसमें प्लस वन माइनस वन कर लो, और वन माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन इज 10/11 इनटू ई की पावर एक्स। वन माइनस 10/11 इनटू, ये बहुत मेहनत वाला काम हो गया यहाँ पर। और वाई प्लस वन जो है वो आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस 10/11 इंटू ई की पावर एक्स, और वन अपॉन वन माइनस 10/11 इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन। अब अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करते हो एक्स को, तो ये पूरा पार्ट जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस वन आएगा फिर आंसर, ठीक है। तो जब अपन ने प्लस वाला लिया है इस सेगमेंट से, तो अपना जो आंसर है वो आया है माइनस वन, जो ऑप्शन में नहीं है। असफलता हाथ लगी है। किस्मत देख रहे हो तुम? तो अब दूसरा वाला ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला ट्राई करना पड़ेगा, तो बीच में माइनस आएगा है ना, पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा आप इतना श्योर नहीं हो सकते कि उसका आंसर वन आ जाएगा, है ना? नहीं, वो नहीं कह सकते है ना, वो कर लोगे सोल्व है ना, वापस वो सोल्व करना है, कोई उपाय नहीं, वापस सोल्व करना है। तो आगे बढ़े, कर लो। 10/9 भी आ सकता है, सही बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आंसर बी आएगा, आंसर वन आएगा, ठीक है। चलिए पैराग्राफ पे आ जाते हैं। पढ़िए सवाल। हिम्मत नहीं हो रही इसको डिफरेंशिएट करने की, क्यों भाई, क्या हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत है क्या? देखता हूँ मैं। हाँ मेहनत तो है भाई, टी फंसा रखा है अंदर, टी तो फंसा रखा है। अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं, करूँ ज्यादा ज्यादा क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स, कॉस एक्स माइनस टू एक्स है ना, माइनस इसको तोड़ने का छोटा तरीका चाहिए मेरे को, x भी बाहर निकालना है और t भी बाहर निकालना, ठीक है बस वही करते हैं, फिर कुछ दिख नहीं रहा है। जीरो से लेकर x f डैश माइनस माइनस प्लस टी इंटू एफ डैश जीरो से लेकर एक्स, वो बाईपार्ट लगा तो शायद कैंसिल हो जाए, शायद जी मेंस वालों को भरोसा नहीं, ऐसे दे सकते, हाँ भाई वो कुछ भी दे सकते, भाई साहब कुछ भी दे सकते हो, कोई भरोसा नहीं, सही कह रहे हो भाई। ये तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, राइट right? और इधर t इंटू एफ डैश है ना, सो t इंटू एफ ओ टी माइनस एफ ओ टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा x f ओ x, और यहां पे आ जाएगा माइनस x f ओ x प्लस x इंटू एफ ओ जीरो माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एक्स एफ ऑफ टी, भाई ये एक्स एफ ऑफ एक्स कटता हुआ दिख गया, एफ ऑफ जीरो के लिए क्या करें, एफ ऑफ जीरो जीरो, ये जीरो को जीरो वन, वन और वन टू, एफ ऑफ जीरो टू आ रहा है क्या, कोई क्लेरिटी इसके ऊपर, एफ ऑफ जीरो के ऊपर कि सर एफ ऑफ जीरो टू है, यहीं से पता पड़ा ऊपर से, एक्स को जीरो डाल दो, ठीक है एक हद तक चलो कुछ बना। हाँ जी अब क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट कर दें क्या, इसको हटाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, फिर बोल तो रहा हूँ इसको कर देते हैं, चलिए कचरा ना फैल जाए। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन ही बतानी है ना, अच्छा 2x भी गया क्या, ओके मैंने देख ली, चलिए तो एक बार जो इक्वेशन है वो लिख देता हूँ, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर एक्स इंटू कोस एक्स, ये गया ये गया ये गया, x एफ ऑफ एक्स गया, बस ये बच रहा है फिर तो, जीरो से लेकर x f f डैश ऑफ t dt, f ऑफ t dt, अब डिफरेंशिएट ही कर देते सीधा मेरे हिसाब से, f डैश और माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर एक्स इंटू कोस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं, सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन ही चेक करने की क्या है, बस देख लो आराम से, मेरे हिसाब से सीधा आंसर आ जाना चाहिए यार इससे, है ना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाई इधर आ जाएगा और ये थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ेगा,
ई की बार एक्स और ई की बार वाई डिस एक्स, चेक कर लो ए ऑप्शन आ रहा है। इस क्वेश्चन से हमें यहाँ सर पहली स्टेप में x माइनस टी की प्रॉपर्टी लगा सकते थे, तो फंक्शन के अंदर x माइनस टी फंसता ना भाई रोहित, है ना। और लेबनीज तो देखो कोई सेंस भी नहीं था, तुम समझ रहे हो विट्टल, है ना, लेबनीज का तो कोई सेंस था ही नहीं कभी भी, क्योंकि लेबनीज लगा था एक तो यहाँ रायता फेल था और यहाँ रायता फेल था वो अलग, तुम समझ रहे हो, यहाँ वाला रायता फैलता वो अलग था, वो भी तो लेबनीज ऐसे लगता फिर, मतलब ये इस जगह जो गड़बड़ होती, ठीक है खैर, मतलब वो भी कैंसिल हो ही जाता, दो बार लगाना मत, ठीक है वो भी इतना बुरा नहीं था, हो जाता वो कट जाता उसमें, जैसे इधर एक कैंसिलेशन हो उधर भी हो जाता, कर सकते थे, ठीक है चलिए आगे बढ़ते। भाई साहब वो है ना ये एफ डैश ऑफ जीरो डबल डैश ऑफ जीरो पूछ रहे, एक मिनट में पर क्वेश्चन चेक कर, डबल डैश तो क्यों पूछ रहे, एक मिनट रुकना, डबल डैश एफ डैश ऑफ जीरो एफ डबल डैश ऑफ जीरो, हाँ ठीक है यही पूछ रहे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखा दो, ये लिखो एक बार आंसर सब लोग, ये चाहिए होगा। भाई इसको रहने दे क्या, एक एक मिनट रुकना, इसको रहने दे क्या भाई, समझ गया ना, ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें जीरो पुट करना है, ये तुम्हारा एफ डैश ऑफ जीरो है, ये एफ ऑफ जीरो है और बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी, है ना, डबल डैश के लिए कर लेना और डिफरेंशिएट वगैरह, भाई इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ वीरेंद्र इसको। हाँ एफ ऑफ एक्स एस फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ मेरे ऊपर केस लग जाएगा और, है ना, बाल मजदूर का, है ना, एफ ऑफ एक्स एस फंक्शन ऑफ एक्स, वो जो इक्वेशन बनी है क्या आप उस, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ, मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, ठीक है भाई, वो ये था ए ऑप्शन जो सही आया था, डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पार एक्स था, एक था कोस एक्स माइनस साइन एक्स और एक माइनस ई की पार माइनस एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बना था, ठीक है सर, उसका आंसर जीरो आ रहा था क्या, हाँ भाई उसका आंसर जीरो था, अच्छा अबव 14 हो क्या, ठीक है हाँ ना, चाइल्ड लेबर का केस 14 से नीचे वालों के लिए लगता है, हाँ भाई क्या करोगे, वो शुरू करें, लीनियर ही है और क्या है, इसको कर लेते हैं ना, अपन तो अभी एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है 100 रुपये दे दो, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पार एक्स आगे मल्टीप्लाई करती ई की पार 2x cos x माइनस साइन एक्स, आ मजा आ जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो cos x प्लस साइन एक्स, जबरदस्त इंटीग्रेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कोस का इंटीग्रेशन साइन और साइन का माइनस कोस प्लस सी, ये माइनस आगे रहने दो, रही बात इसकी, तुमको याद है कुछ, तुमको तो क्या याद होगा, तो बताए मैं स्टैंडर्ड लिख पाता हूँ क्लास में, ई की पार एक्स और वो रहने दो, चलो ठीक वो रहने दो ना, क्लासिक बन रहा है ना ये, एफ और एफ डैश वाला भी बन रहा है शायद, अपन क्या करें
नहीं यार, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है एक्चुअली, वो हाफ की गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार तुम सबसे पहले 2x को टी पुट करोगे ना, वही गड़बड़ हो जाएगी बस। ये टी बाई टू पे आ जाएगा ना, उसका हाफ दिक्कत देगा, कर नहीं पाओगे। अब तुमको है ना वो जो मैं कह रहा था ना उसी जाना पड़ेगा, मतलब e की पावर 2x इंटू कोस एक्स करना है और e की पावर 2x इंटू साइन एक्स करना है, ये समझ रहे हो? वो वाले इंटीग्रेशन हो गए, वो 2i बनेगा बाई पार्ट्स, तो रहने देते हैं ना, दो बार वो लगेगा है ना। समझ गया ना बात को? अरे बाप रे, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया। ठीक है कोई ना, बढ़िया है। क्या है ये, मेरे जैसा आ जाए तुम क्या कर लोगे है? नहीं कचरा नहीं, नहीं यही क्वेश्चन तुम्हारे उठ के आ जाए तुम क्या कर लोगे मतलब, करना ही पड़ेगा, वेट कहाँ कर। चलिए अगला पैराग्राफ। हाँ भाई हाँ, ये कौन है भाई? विटल तुम मतलब क्या, वो क्या बोलते हैं, कौन सा कोर्ट होता है वो, शादी शादी कहाँ करवाते हैं, शादी तलाक कहाँ होते हैं, ये सब कौन से कोर्ट में होता है, उसका नाम क्या होता है उसमें, तुम क्या वकील हो गया है? ऐसा हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ आपको है, या तुम बहुत ज्यादा अनुभवी हो है? बातें करवा दो बड़ी बड़ी है, तुम बातें ऐसी कर रहे हो जैसे तुम्हारी शादी हो चुकी हो, तुम 40-45 साल के हो है, तुम्हारे बाल बच्चे जो खेल रहे हो है ना, फिर तुम बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हो मतलब है, जरूर झगड़ा हुआ होगा। जिला कोर्ट तो बहुत बड़ा हो गया ना, सबसे पहले तहसील आती है ना, तहसील कोर्ट भी आती है ना, जिला तो बहुत बड़ा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। सर पिछले वाले में 2i कैसे, अरे वो बन जाता है भाई है ना, बनाना पड़ता है, 2i नहीं बनेगा। हाँ, वो मतलब वो रिकर्सिव बनेगा, 2i नहीं बनेगा, वो 4i 3i जैसा कुछ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं ना, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 पासिंग थ्रू ओरिजिन, लोकल मैक्सिमा एट दिस, जी डैश का मिनिमा एट 0। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइन दैट जी डबल डैश ऑफ एक्स इज ax, राइट, क्योंकि उसका मिनिमा आ रहा है 0 पर, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 रहा होगा, राइट। सो जी डैश इज ax² / 2 प्लस बी है ना, और इसका मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये है कि जी डैश ऑफ -1/(√2) कम्स आउट टू बी 0। इसे एक रिलेशन आ गया होगा, बोलना क्या था, ए और बी में हाँ कितना है, 1/(√2) / 1/8, a/16, b इक्वल टू -a/16 दिख जाएगा, तो तुम्हारा जो जी डैश है वो है ax² / 2 -a/16, कर दे इंटीग्रेट। सो जी ऑफ एक्स इज ax³/6 -ax/16 प्लस बी वापस जी ऑफ 1/5 है, एक मिनट बी तो वैसे ही 0 आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बी तो वैसे ही 0 आएगा, आएगा ही नहीं मतलब, बढ़िया है तो बढ़िया होगा, सीधा ही आ गया फिर तो। अब जी ऑफ 1/5 है, सो 5 इक्वल टू a/6 -a/16, यहाँ से a आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये आते ही फंक्शन आ गया, और फंक्शन आते ही जो कुछ निकालते रहे। चलो ये बताओ,
48, ठीक है, तो 48x³/3 -48x/16, सो 16x³ - 3x, ये जी ऑफ एक्स है, 16x³ - 3x, 16 नहीं, क्या था, 6 था, यहाँ पे 8 आएगा, 8, 8x³ - 3x, है ना, जी ऑफ 2 आ जाएगा ऐसे, बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए, वाह, जान लेने के लिए बनाया हुआ है क्वेश्चन ये, इस सीखना में, वाह। अच्छा ऐसे ही जीएन लिख रहे हैं, ओके, डिफाइन भी कर रखा, बढ़िया। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास, नहीं आ रही है, पैराग्राफ तो खत्म करना पड़ेगा, इससे आगे ही शुरू कर पाएंगे, हेवी हो गई आज की क्लास, देखते ही देखते हैं, मेरे को लग रहा कुछ नहीं कर रहे आज, पर लास्ट में आते आते थोड़ा मामला। भाई है ना, ध्यान सुन लेना मिस्टर एस, तुम सुन लेना, हाँ फालतू में बोलना मत। तो क्या करें, एफ ओ एक्स है सिग्नम एक्स और जी ओ एक्स पिछला फंक्शन है, तो एफ ओ जी ओ एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं, तो एफ ओ जी ओ एक्स आ जाएगा सिग्नम ऑफ वो जो फंक्शन था 8x³ - 3x, ये आ गया फंक्शन, ठीक है सर, ये दो इन्फिनिटी क्या होता है, सर ये दो इन्फिनिटी क्या होता है, अच्छा ये कुछ है, ये 2 ही होगा यार, है ना, मैं देख लेता हूँ, देख, अरे ये है ना, ये इन्फिनिटी नहीं है, हाँ भाई क्या मेरे ऑपरेटर क्या नींद में निकाल रहे हैं, ये माइनस अल्फा से लेके अल्फा तो 2 अल्फा, ऑर्डिनेट्स है ना, उनको लगा होगा ऐसे तो इन्फिनिटी होता है, सही क्योंकि ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कोई सेंस नहीं है ना उसका, 8x³ - 3x, चलिए तो ये सिग्नम का क्या पंगा है, सिग्नम का क्या पंगा है, जहां पे वो 0 हो रहा होगा वहां पे वो दिक्कत है ना, ये -1 0 का, हाँ ठीक है चलो, तो ये जहां पे 0 हो रहा होगा वहां पे वो कर देंगे, तो ये इसका ग्राफ बनाओ तुम, मेरे को ये देखना है ये कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है चलो बनाइए भाई। अच्छा मैनी वन तो मेरे को वैसे ही दिख गया, मैनी वन तो वैसे ही दिख गया मेरे को, और आपको भी दिख गया होगा, ग्राफ क्या बनाना भाई, दिख ही क्या होगा ना, रूट ही दिख गए, रूट ही दिख गए आपको, तो 0 से पास कर रहा है एक रूट तो 0 और बाकी दो दिख ही रहे, ऐसा कुछ हो गया ना, तो रूट क्या बता रहे हो तुम, 3/8 यही है, और 0,0, ठीक है, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो, इसको अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करने बैठा ना तो ये ऐसे डिफाइन होगा, फिर कैसे भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेकर ये है ना, ये अल्फा बोल दूं क्या, थोड़ी देर इसको मैं अल्फा तो क्या बोलूं, अल्फा बोल रखा है, क्या बोलूं मैं, कुछ टी बोल देता हूँ, ठीक है, हाँ तो एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस टी तो नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस टी से ज्यादा और 0 तक 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर टी तक
माइनस वन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू टी से ज्यादा वन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो टी और माइनस टी जीरो आ जाएगा। एक बार ये सोचना तो, टी इज √3/8। अरे भैया बढ़िया सवाल बन जाएगा आप, है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये गलत है, देख लेते हैं। एरिया ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा टू अल्फा इज टू अल्फा, ये क्या बात हो, माइनस अल्फा से अल्फा इज टू अल्फा, ये तो ओड फंक्शन हो गया ना, जीरो आएगा ना, तो समझे बात को, ये तो गलत है भाई, ये तो ओड फंक्शन हो गया, दिख गया, तो माइनस ए से ए जीरो, भाई ये तो ए ऑप्शन ही सही हो गया। वाह वाह रे किस्मत, कहीं तो साथ दिया, मतलब ठीक है। अच्छा बाकी को सही प्रूव कर दे, एरिया में मोड लेते हैं। अरे 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 अरे, सो देर इज ट्विस्ट, ये नहीं होगा, एरिया टू अल्फा ही आएगा, हाँ एरिया एरिया जीरो नहीं आएगा, अरे बाप रे, इंटीग्रेशन जीरो आएगा, एरिया जीरो नहीं आएगा, गलती समझ में आई क्या, गलती हो जाती भारी, इंटीग्रेशन जीरो आएगा माइनस अल्फा से अल्फा, एरिया जीरो नहीं आएगा, एरिया टू अल्फा आएगा, मतलब समझ जाओ आप, है ना, वो ऐसे एब्सोल्यूट सम करना है ना उसमें। अच्छा तो ये अभी इनकरेक्ट ही, मतलब ये जो बात है वो सही लिखी हुई है फिर, है ना, माइनस वन से वन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये जीरो हो जाएगा, ये बात भी सही लिखी है, समझे। हाँ जी, पीरियोडिक ये प्रूव नहीं कर पाओगे आप, पीरियोडिक है ना, ये इनकरेक्ट है, तो मतलब ये सही करते हैं। बहुत कुछ सिखाया क्वेश्चन ने, क्या बोलते हो, मजा आ गया है ना। चलिए, एरिया एरिया में ध्यान रखना यार, एरिया ऐसे नहीं कमेंट करना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। डी वाला वापिस तो ऐसा है भाई, ये जो चीज है ना इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, और इसको इसका ग्राफ देखो कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यूं सोच लो, यहां पर माइनस टी है तो ये माइनस वन आ रहा है, ये माइनस टी से जीरो में वन आ रहा है, ये फिर जीरो से टी में माइनस वन आ रहा है, ऐसा फिर ऐसा, तो ये रिपीट थोड़ी कर रहा है क्या, क्योंकि इसके आगे भी एक जैसा हो गया ना उधर, और इसके आगे ये इधर एक जैसा हो गया, ये सेगमेंट रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, चक्कर वो पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन सही। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ये तो कर लोगे क्योंकि ये कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, है ना, ये जी तो पता ही, अब कर लेना इसको, तो होमवर्क में है डी कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 जो भी है सब कर लेना, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, कल भी डी ही कंटिन्यू रहेगा आपने, ठीक है भी, चलिए ना भाई। अरे ओए क्या करते हो तुम, यार क्लास खत्म होती तब।